गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज योर फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट इज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। The message of the poem is put into words by Robert Frost, and these words are always, always a large significance, a little thing touches a large thing. So let's start the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Shook means shake. Hemlock tree. Hemlock is a poisonous tree. It's a poisonous tree with small white flowers. So in first stanza, the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood and is walking by a tree, a hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous tree, and he passes by a crow happens to throw some snow dust on him. So first stanza mein jo scene create kiya gaya hai according to poet, jo poet hai wo kaafi zyada bad mood mein hai. और वो ट्री कौन से ट्री था, हेमलॉक ट्री से साइड में वॉक कर रहा था, और तभी हेमलॉक ट्री कैसा ट्री है, एक पॉइजनस ट्री है जिसकी वाइट लीव्स होती हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं। एंड जब वो पास कर रहा था तभी एक क्रो की हेल्प से उसके ऊपर स्नो पड़ता है। वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर इज अननोन एज देर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम। अब वो स्नो उसके सर पे पड़ता है या शोल्डर पे पड़ता है ये स्पेसिफिकली क्लियर नहीं किया गया है पोएम में। सो इट कुड बी ऑन हर शोल्डर्स और ऑन हर हेड। एंड ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन, वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग शिवरिंग विद कोल्ड, रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच और टेकिंग ऑफ। इट हैपेंड टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर। एंड उस क्रो की हेल्प से जो स्नो ऑथर के ऊपर पोएट के ऊपर पड़ा, तो अब ये भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि किस तरीके से, क्या उस बर्ड ने, उस क्रो ने जान के डाला, या फिर वो खुद को एडजस्ट कर रही थी और उस वजह से उस पर पड़ गया, या वो ठंड की वजह से शिवर कर रही थी जिसकी वजह से स्नो पोएट के ऊपर पड़ गया, ये भी क्लियरली मेंशन नहीं है। बट किसी भी तरीके से क्रो ने उस पोएट के ऊपर इस तरीके से स्नो के कुछ पार्टिकल्स फेंक दिए। Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. तो जैसे ही opening scene में बताया गया है कि जो poet है उनका mood off है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये tree hemlock tree है और जो crow है, दोनों ही क्या signify करता है, sadness को signify करता है। जैसे कि starting में ही पोइट का मूड था, वैसे ही नेगेटिवली हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है और क्रो है, इन दोनों को वर्ड यूज़ किए गए हैं विच सिग्निफाई सैडनेस। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट। So for reasons unknown, the author was having a terrible day, but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. अब क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो पोएट है उसको उसका दिन अच्छा नहीं व्यतीत हुआ, या फिर
उसका मूड इतना सैड क्यों है ये भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। बट जैसे ही क्रो की हेल्प से वो जो स्नो पोएट के ऊपर पड़ा उससे उनका मूड क्या है एकदम से इंस्टेंटली चेंज हो गया। He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. But आगे राइटर आगे पोइट क्या कह रहे हैं कि उनका स्टार्टिंग में डे बिल्कुल अच्छा नहीं गया था जिस भी रीज़न की वजह से हो, बट उस क्रो ने और उस पॉइजनस ट्री हेमलॉक ट्री ने की वजह से उनका जो बात का टाइम है वो काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि उन दोनों की हेल्प की वजह से उनका चेंज मूड क्या है चेंज हो गया। पहले वो सैड थे और इसकी वजह से उनका मूड अब चेंज हो गया। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर द नेगेटिव रेफरेंसेस, बट द पोएट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है ये एक नेगेटिव टर्म्स हैं, ये इसीलिए इनका रेफरेंस यहाँ यूज़ किया गया था टू शो सैडनेस। बट यहाँ पे पोएट ने इन दोनों वर्ड्स को जैसे फर्स्ट स्टैंजा में सैडनेस के लिए यूज़ किया तो सेकंड स्टैंजा में उन्होंने इसे ब्यूटीफुली इससे ये पोर्ट्रे किया कि कोई भी लाइफ में इन ऑस्पिशियस थिंग्स भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ या जॉय लेके आ सकती हैं। सो वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेज टू ब्लेस अस। और हम सबको इन सब चीज़ों को हर चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए जो भी हमें मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमें उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे भी हमें नेचर जो भी हमें जिस तरीके से भी ब्लेस कर रहा है हमें उसे खुले दिल से उसका एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। So number first is rhyming. So rhyming scheme जो इस poem में यहाँ use कर रखी है वो क्या है? Crow, snow, me, tree, a, b, then heart, part, mood, root, C, D. पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो किस तरीके से है? A, B, C, D. ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज एलिट्रेशन। Alliteration. So what is alliteration? Alliteration is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. ठीक है, जैसे यहाँ poem में use किया गया है has given my heart. So H. सेम लेटर का एक ऑकरेंस होना, बार बार कनेक्टेड वर्ड्स का सेम वर्ड यूज होना। सो हैज गिवन माई हार्ट H. देन नेक्स्ट इज एंड सेव सम पार्ट हेयर S. सो एलिट्रेशन इज यूज हेयर। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज इन्वर्जन। इन वर्जन। Now what is inversion? Let me rub this first. Next poetic device is inversion. So inversion is when the structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme. This poetic license is called inversion. जैसे आप अगर first stanza में देखोगे तो आपको inversion दिखेगा। ठीक है, कैसे? अगर आप फर्स्ट स्टैंजा में देखोगे द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे पोएम को इस तरीके से चेंज किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि इनकी जो राइमिंग स्कीम है वो मैच हो पाए। तो इस तरीके से जब पोएट
राइमिंग सीन राइम मैच करने के लिए कोई पोइटिक लाइंस को चेंज करे या उस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करे, तो इस तरीके से उनको कहा जाता है इन्वर्जन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस एसोनेंस। एसोनेंस हमने प्रीवियस पोएम में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज़ एसोनेंस? द प्रोमिनेंस ऑफ अ वॉवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन। जब किसी लाइन में जो ज़्यादातर जो साउंड फर्स्ट साउंड है वो आपके वॉवल आए तो उसे एसोनेंस कहते हैं, और सिमिलरली अगर कॉन्सोनेंस का ज़्यादा साउंड प्रोमिनेंट हो तो उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। सो एसोनेंस इन द फर्स्ट स्टेंजा फर्स्ट लाइन शू सेकेंड लाइन शूक डाउन ऑन मी ओ साउंड इज प्रोमिनेंट। शूक डाउन ऑन मी सो ओ साउंड इज प्रोमिनेंट, दैट्स वाई एसोनेंस इज यूज हेयर। नाउ सी ऑन द अदर लाइन्स, नो दैट्स ओनली। नाउ नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज इंजैबमेंट। अब इंजैबमेंट के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। इंजैबमेंट, वॉट इज इंजैबमेंट? वेन द सेम सेंटेंसेज कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंचुएशन मार्क। जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन पर मूव करते हैं बिना किसी पंचुएशन मार्क के, तो वो आपका इंजैबमेंट कहलाता है। जैसे कि आप पूरी पोएम में देखोगे, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, नो पंचुएशन मार्क हैज़ बीन यूज्ड हियर। इन द सेकेंड स्टैंजा हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। तो पूरी पोएम में ही कोई भी पंचुएशन का यूज़ नहीं किया गया है, तो पूरी ही पोएम में क्या यूज़ हो रहा है? इंजैबमेंट। So these were the all poetic devices used in this poem, The Dust of the Snow. First one is rhyming scheme, second is alliteration, third is inversion, fourth is assonance, and the last one is enjambment. That's all. Thank you.